हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पुनीता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो ब्लॉग है मैंने दोपहर में ही स्टार्ट कर दिया है। और आज का दिन जो है वो शुक्रवार है और ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। और ये मैं गरम मसाला जो है उसे भून रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो गरम मसाला बना रही हूँ वो आप सभी के साथ इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँ। कि मैं बाहर जो मार्केट के होते हैं गरम मसाला, मैं वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इन्हें भून लेती हूँ और इनका पाउडर बना करके रख देती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। और ये 1-2 महीने तक तो ईज़िली चल ही जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये 1 पाव धनिया है और इसमें मैंने 50 रुपये के गरम मसाले, उसमें सब मिक्स थे, जैसे कि दालचीनी जो होती है वो, जीरा, लौंग, इलायची, जावित्री और एक जायफर और एक जो फ्लावर टाइप का आता है मसाला, मुझे उसका नाम नहीं पता है वो। और इसमें मैंने साबुत लाल मिर्च भी डाली है। इन सब को मैं भून लेती हूँ जब तक इनमें से एक अच्छी सी खुशबू जो होती है वो पता चल जाता है, एक अच्छी सी स्मेल आती है। और इन ये जो धनिया है वो चटकने लगता है तो पता चल जाता है कि ये भून गया है। फिर उसे ठंडा कर लेती हूँ और मिक्सी जार में पीस देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पाउडर बना लिया है और इस पाउडर को मैं छन्नी से छान लेती हूँ। और जो बाकी बचते हैं इसमें, जैसे कि जो खड़े रह जाते हैं मसाले, वो पीसते नहीं हैं, तो छान के मैं उसे दोबारा फिर से पीसती हूँ दूसरे मसालों के साथ में, जो बाकी मसाले रहते हैं। इसी तरीके से करके मैं सारे मसालों को पीस लेती हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप सब्ज़ी में डालेंगे तो। अगर बाहर के मसालों से मैं इसका कंपेयर करूं तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है। और हमें ये भी पता होता है कि हमने इसको अच्छी तरीके से वाश करके, अच्छी तरीके से इसको धुल के सुखा के तब हमने इसे पीसा है। और बाहर का जो मसाला होता है उस पर तो उतना हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, टेस्ट में भी थोड़ा अंतर होता है। और ये तो हाथों से बना हुआ होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर मैं यही मसाले इस्तेमाल करती हूँ घर में। हर सब्ज़ी में मैं बना के रख लेती हूँ। 1-2 महीने क्वांटिटी के हिसाब से होती है, 1-2 महीने तो आसानी से ये चल जाते हैं। और मैं सभी सब्ज़ी में यही मसाले डालती हूँ। कभी कभी मैं बाहर के मसाले डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर के मसाले नहीं डालती हूँ, कभी कभी डाल देती हूँ, पर ज़्यादातर मैं इस मसाले को ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितनी साबुत मसालों को भुना था उन सभी का मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट जैसा गरम मसाला हमने घर पे ही बना लिया, अब बिल्कुल मार्केट के जैसा ही दिख रहा था। फिर मैंने इवनिंग से ब्लॉग को स्टार्ट किया और बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मम्मी आप चाउमीन नहीं बनाती हैं, आप कभी चाउमीन नहीं बनाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको इवनिंग का जो नाश्ता है आज चाउमीन ही उन्हें बना के दे देती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और ये मैंने एक भगोने में, बड़े से भगोने में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और रिफाइंड ऑयल 3 चम्मच मैंने डाला था। जब पानी बॉयल हो गया तो मैंने इसमें, ये 5 रुपये वाला जो है चाउमीन है तो मैं ये 3 पैकेट मंगाई थी और इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसे ढककर, मैंने 2 मिनट सिर्फ छोड़ा था इसको कि थोड़ा इसके अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने 2 मिनट ही इसे और पकाया था, जो लिड है उसे खोल के मैंने इसे 2 मिनट और पकाया था। पूरा मिला के मैंने इसे 4 मिनट पकाया था। और 4 मिनट बाद जो ये चाउमीन है ये 80% तक कुक हो चुकी थी, क्योंकि हमें 20% इसे कच्चा ही रखना होता है। और जब ये कुक हो गई थी तो मैंने इसे तुरंत छान दिया था, एक छन्नी में रख के छान दिया था इसे। और ये जो है फ्रिज का ठंडा पानी है, मैंने इसमें आइस भी ऐड कर दिया था कि पानी काफ़ी ठंडा हो जाए, क्योंकि ये पानी जो हम डालते हैं तो जो कुकिंग का प्रोसेस होता है चाउमीन में वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। जितना ठंडा पानी लेंगे उतना ही अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने इसमें आइस भी ऐड कर दिया था कि जो पानी है वो काफ़ी ठंडा हो जाए। फिर मैं इसे, इसके जो सारे पानी हैं वो जब ड्रेन हो गए थे तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल 3 बड़े चम्मच के लगभग ही मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल के पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था पूरे चाउमीन में। ऑयल को लगाने से ये फ़ायदा होता है कि चाउमीन जो होता है वो बहुत खिला खिला होता है और अच्छी तरीके से एक एक चाउमीन दिखता है, वो चिपकते नहीं हैं एक दूसरे में।
और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें भी मैंने रिफाइंड ऑयल ही लिया है, सरसों का ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल नहीं की हूँ। और ये मैंने तीन जो हैं हरी मिर्च हैं उन्हें लंबा लंबा कट करके, अब मैंने उसे भुना नहीं है, बस थोड़ा सा सौते किया है। जब ये हरी मिर्च सौते हो गई थी तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। मैंने प्याज को भी लंबा लंबा कट किया था। प्याज को भी हमें सौते ही करना है, भुनना नहीं है। और इसमें फिर उसके बाद मैंने इसमें टोमेटो सॉस और जो चिंग्स चाइनीज़ चाउमीन मसाला आता है वो मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि चिल्ली सॉस है पर मैंने इसमें डाला नहीं, क्योंकि मैंने मिर्च कट करके डाल दी थी, तो इसलिए मैंने चिल्ली सॉस नहीं डाला। और सोया सॉस तो मैं रखती नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ सोया सॉस डाल के शेयर करूँगी। और उसके बाद जब मैं उसे मिक्स कर ली थी तो फिर मैंने ऊपर से ये चाउमीन डाल दिया, स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। और दोनों हाथों में स्पून लेके इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खिला खिला चाउमीन बना है। आप इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, पर अभी कुछ अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला। और बच्चे जिद कर रहे थे तो जो घर में अवेलेबल था मैंने उसी से चाउमीन बना दिया। और आ जाइए फ्रेंड्स, चाउमीन बनके रेडी है और ये पहला निवाला मैं आप सभी को खिलाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको चाउमीन का रेसिपी। और अब बच्चे जो रुपेश और छवि हैं मैं उन्हें बुला के उन्हें दे देती हूँ, वो बहुत खुश हो गए। और एक प्लेट हस्बैंड का था, मैंने तो खाया नहीं क्योंकि मेरा जो है आज पूर्णिमा का व्रत था, तो इसलिए मैंने नहीं खाया। और इनका नाश्ता हो गया, उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी कर ली। सारी जितनी पूजा की सामग्रियाँ होती हैं वो सब मैंने एक जो हमारे यहाँ जिसे हम लोग डगरा बोलते उसमें मैंने सारे लगाए थे। फिर मैं छत पर चली गई थी पूजा करने। इस समय शाम के 6:30 हो रहे थे। कम सामग्री में भी चाउमीन बहुत अच्छा बना था, हस्बैंड बोल रहे थे और बच्चे भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बनाई है मम्मी। और ये वाली जो साड़ी है फ्रेंड्स, मैं इसे सिर्फ जब पूर्णिमा का व्रत रहती हूँ, व्रत के सुबह मैं नहीं पहनती हूँ, इसे शाम को ही पहनती हूँ पूजा करते वक्त। फिर मैं इसे धुलकर रख देती हूँ, जब पूर्णिमा आती है तभी पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में आप सभी से। तो बाय बाय फ्रेंड्स।